गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा जो टॉपिक था सेट, उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। आज उसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सबसेट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, फिर जानेंगे कि होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। सो ई सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A are in set B। डेफिनेशन को दोबारा से देखते हैं। सेट A इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए सेट B इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A आर इन सेट B। दैट मीन्स क्या होगा, A के सभी एलिमेंट कहां पर जेंट होने चाहिए, बी के अंदर आने चाहिए। एग्जाम्पल से देखिए इसको। हमारे पास एक सेट है A, हमने लिया 1, 2, 3 एंड 4। सेकंड हमने सेट लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम क्या कहेंगे कि A को B का सबसेट कहेंगे। By definition, if all elements of A are present in set B, then A is said to be subset of set B. It is denoted by symbol this. ये इसका symbol है। जैसे हम यहां से इसको represent करें तो A सबसेट ऑफ सेट बी, इसको हम बोलते हैं सबसेट। ये सिंबल होता है बेटा। सो ए बी का क्या बन चुका है, सबसेट। क्लियर? एक बार फिर आपको थोड़ा अच्छे से बता रहे हैं, ध्यान से समझना। कोई भी सेट है ए, उसको बी का सबसेट बोलेंगे। कब कहेंगे, अगर ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। सो ए इज कॉल्ड एज द सबसेट ऑफ सेट बी। और एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। जैसे हमने एक सेट लिया ए, ए बी सी डी ई, और यहां हमने सेकंड लिया बी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो क्या ए बी का सबसेट है? यस, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ये क्या बन गया, बी का सबसेट। काफी एग्जांपल ऐसे हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास एक सेट होता था रियल नंबर। कौन सा सेट? रियल नंबर। इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एक सेट होता था नेचुरल नंबर, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से सुनना, सभी नेचुरल नंबर को रियल नंबर बोला जा सकता है? यस। तो ये सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर में हैं? हाँ जी है। तो नेचुरल नंबर जो होगा वो सबसेट कहलाएगा किसका, रियल नंबर। और भी काफी कुछ है इसमें। रियल नंबर के सबसेट कौन कौन से बनेंगे, एक तो हमने आपको यहां पे लिख भी दिया है कि भैया कौन सा बनेगा, नेचुरल नंबर। अच्छा, सेट ऑफ इंटीजर, ये भी सबसेट किसका होगा, रियल नंबर। और इसके अंदर रियल नंबर के और सबसेट कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि रियल नंबर का सबसेट नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सबसेट होते हैं किसके, रियल नंबर के। क्या कहलाएंगे, ये सबसेट।
तो सबसे पहले हमने सेट के सबसेट के बारे में कहा था, और ये सारे के सारे किसके सबसेट हैं? रियल नंबर के सबसेट। ये भी रियल का, ये भी रियल का, वो रियल का। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी के अंदर, प्रॉपर सबसेट। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? प्रॉपर सबसेट। उसकी डेफिनेशन जस्ट सेम है, बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। क्या है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट डेफिनेशन क्या कहती है? ए सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। Of set B, if all element of set A are present in set B, A को B का proper subset कब कहेंगे? Whenever all elements of set A are present in set B, but every element of B are not present in set A. इसका मीनिंग क्या होगा कि A और B इक्वल नहीं होने चाहिए। मेन कंडीशन ये याद रखना, ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे परंतु बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं होंगे, तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ए क्या बोला जाएगा? प्रॉपर सबसेट। और जो सेट बना बी वो क्या कहलाएगा? ए बी का प्रॉपर सबसेट बन गया। अब कुछ एग्जांपल लेके चल रहे हैं, यहां से समझना। एक सेट है ए 1 2 3, एक सेट है बी 1 2 3 4 ले लिया, इसमें एक एलिमेंट ज्यादा रख लिया, तो ये क्या कहलाएगा? इसका प्रॉपर सबसेट। इसका सिंबल ये है, सिंबल क्या होता है प्रॉपर का? ये वाला। अच्छा अब बात करते हैं कि भी सर फिर सबसेट आपने बताया था वो भी सेम था, बट इनमें डिफरेंस क्या है वो हम बताते हैं आपको, ध्यान से समझना। अब यहां पे जो था वो सबसेट हमने लिखा ए 1 2 3, हमने लिखा बी 3 2 1, क्या ए बी का सबसेट है? आपका आंसर क्या होगा? यस। और बी ए का सबसेट है? आपका आंसर होगा यस। दोनों एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं सबसेट की, परंतु जब प्रॉपर की बात आएगी ए तो बी का सबसेट हो सकता है परंतु बी ए का सबसेट नहीं हो सकता, दैट मींस दे आर नॉट इक्वल, और इक्वल नहीं होंगे तो क्या बनेगा? वो उसका प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है इंटरवल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्या इसके मीन है? तो हमारे पास बात करें हम इंटरवल्स की, तो हमारे पास इंटरवल में दो तरीके से इंटरवल हम यूज करते हैं जनरली इंटरवल्स के अंदर। एक होता है ओपन इंटरवल, सबसे पहला, फिर होता है क्लोज्ड। पहले ओपन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको किस तरीके से लिखते हैं? इसकी कहते हैं यहां पे वो नंबर्स आएंगे जो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेंगे, वो सभी x प्रेजेंट होंगे जो x a और b के बीच में होंगे, एंड x कहां से आएंगे? रियल नंबर से। एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए हमने यहां पे रखा 1 और 7। अब इसमें क्या होगा कि वो x आएंगे जो x कहां पे बिलोंग करेंगे? 1 2 7 इन बिटवीन आएंगे, एंड एक्स कहां से होगा? रियल।
अब जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर 9 है, ये 1 है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे और 7 वाला, ये दोनों काउंट नहीं होंगे, इसके इन बिटवीन वाले सारे आप यूज कर सकते, बट ना तो ये 1 होगा और ना ही 7। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से इस इंटरवल को लिखा जा सकता है। कौन कौन से अगर एलिमेंट की बात करें तो इस तरीके से आपके पास इंटरवल्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इस फॉर्म में होंगे। अब बात हम करते हैं, ये तो हो गया ओपन के बारे में, अब बात हम करें क्लोज। तो क्लोज के अंदर क्या होगा, क्लोज के अंदर क्लोज इंटरवल क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ए बी सच दैट वो सभी नंबर्स जो नंबर कहां बिलोंग करते हो, ए एंड बी इन बिटवीन इंक्लूडिंग ए एंड बी एंड दैट टेक्स फ्रॉम रियल नंबर और रियल नंबर। इसमें फर्क क्या है कि हमारे पास यहां पे एक सेट है, ये लिखा हमने ए और ये बी, इसके अंदर ए भी काउंट होगा और बी भी काउंट होगा, बट ये तो हो गया क्लोज्ड। अगर बात करें ओपन में हम ए और बी, तो ओपन में क्या होता है, ना तो ए काउंट होता है और ना ही बी, इन बिटवीन वाले लिए जाते हैं, इसलिए हमने इनको होलो रख दिया है कि इसके बीच वाले जो हैं वो लिए जाएंगे, ना तो ए आएगा ना ही बी आएगा, बट इन केस ऑफ क्लोज इंटरवल आपका ए भी काउंट होगा और बी। जैसे इसी एग्जांपल को हम क्लोज के अंदर बनाएं, 1, 7, तो क्या लिखेंगे, वो सभी एलिमेंट आएंगे जो कहां बिलोंग करेंगे, 7 और 1 के इन बिटवीन इंक्लूडिंग 1 एंड 7 एंड एक्स फ्रॉम रियल। तो अगर इसको बनाएं हम तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इस केस में क्या हुआ, ये सभी एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने इंटरवल्स के बारे में पढ़ा, अभी क्या क्या था, ओपन क्लोज, फिर एक आएगा सेमी ओपन सेमी क्लोज, उनको भी देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे ये तो था ओपन और क्लोज, अब आपके पास आएगा सेमी ओपन सेमी क्लोज, उस केस में क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमने ए से ओपन किया, बी पे इसको क्लोज रखा, तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x lies between a एंड b, जिधर क्लोज है उधर इक्वल टू लगा दो। क्यों लगाया, क्योंकि वो एलिमेंट काउंट होता है इक्वल टू। एग्जाम्पल 1, 7 था, तो हम क्या करेंगे, 1 काउंट नहीं होगा, x सच दैट x बिटवीन 1 एंड 7 1 काउंट नहीं होगा बट 7 काउंट होगा, और ये कहां से आएंगे, रियल नंबर से। जैसे यहां पे अगर हम बात करें तो 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे आएंगे, ये तो हो गया। अब दूसरा कहता है अगर हमने a की तरफ से क्लोज किया और b से ओपन रखा, इसको कैसे लिखेंगे हम, x सच दैट x lies between a and b and close with the side of a, so equal to लगेगा, जहां close होगा वहां equal to साथ में आएगा, and x from real number। अभी इसी example को फिर से लेके चलते हैं, 1 और 7, 7 पे open कर रखा हमने, 7 पे क्या रखना है हमें, open, और close किस पे है, 1 पे, तो कौन कौन से आएंगे, इसको कैसे लिखेंगे, x such that x from 7 और यहां पे क्या रखेंगे, 1, x कहां से आएगा, रियल नंबर से आएगा। अब इसमें देखें तो हम कि 1 तो काउंट हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 होगा, नहीं, क्योंकि 7 पे क्या है, ये ओपन। तो अब तक हमने क्या कुछ पढ़ा, सबसे पहली चीज हमने पढ़ी सबसेट, एक सेट दूसरी का सबसेट कब बनता है, जब उसके सभी एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करते हो, एग्जिस्ट करते हो, तो पहले वाले सेट को दूसरे सेट का सबसेट बोला जाता है। फिर आई बात प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या था, एक सेट है ए,
दूसरा है बी, ए को बी का प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे? फर्स्ट, ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए। सेकंड थिंग, ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए, परंतु बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर नहीं होने चाहिए। फिर हमने पढ़ा इंटरवल्स, ओपन क्लोज। ओपन इंटरवल में जैसे हमने स्टार्ट किया ओपन ए और बी, तो ना तो ए काउंट होगा ना बी काउंट होगा, इन बिटवीन वाले नंबर्स लिए जाते हैं। फिर हमारे पास आया था क्लोज, क्लोज के अंदर दोनों ही काउंट होते हैं, ए और बी दोनों काउंट। फिर हमने सेमी ओपन सेमी क्लोज के एग्जांपल अभी देखे। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इसमें इम्पोर्टेंट है, अक्सर इसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं और आगे जब आप पढ़ोगे आईआईटी उनके अंदर भी इनके क्वेश्चन आते हैं, वो है पावर सेट। इसके बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पावर सेट, सो पावर सेट की डेफिनेशन पहले हम पढ़ेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए, क्या है? कलेक्शन है किसकी? ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, ए के सबसेट्स की जो कलेक्शन बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं? पावर सेट। उसको बोला जाता है इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोला गया? पावर सेट। अब बात यहां पे आती है, ये बन गया हमारा पावर सेट, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई पी ए, दैट मीन्स पावर सेट ऑफ ए। सो अगर हम बात करें कि एक्चुअली होगा क्या, इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात, हमारे पास एक सेट है ए, हमने एलिमेंट रखे 1 2, ठीक है। अब हमें क्या करने हैं, सेट ए के जितने भी सबसेट होते हैं उनकी हमें क्या करनी है? लिस्ट बनानी। और उस पे जाने से पहले दो चीजें हमेशा याद रखनी है, दो आपके पास रिमार्क है, मैं यहां लिख देता हूं, इनको आपको ध्यान में रखना है रिमार्क को। पहली चीज ये है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट ऑफ एवरी सेट। सेकेंड थिंग, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये याद रखना। जब भी हम सेट के सबसेट्स बनाएंगे तो ये दोनों हमारे पास हमें आने चाहिए सब। देखिए इससे आपको और क्लियर हो जाएगा, हमें क्या करना है इसके सबसेट लिखने। चलिए देखिए इसके कितने सबसेट और कौन कौन से बन सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक सेट लिखें जिसमें मैंने एलिमेंट रखा 1, क्या ये इसका सबसेट है? यस। हमने यहाँ पे रखा 2, अब ये इसका सबसेट है? हाँ जी ये भी है। फिर हमने रखा यहाँ पे 1 2, क्या ये होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वन हमने यही है एवरी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हमने ये लिया ही क्योंकि सेट ही था हमारे पास, तो ये इसका सबसेट होगा? यस बिल्कुल होगा। और फर्स्ट वाली क्या है? एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हमने बताया था 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये कलेक्शन बनी, इस कलेक्शन को क्या नाम बोलते हैं, क्या नाम देते हैं हम? पावर सेट। तो इस कलेक्शन को, जो ये कलेक्शन बनी हमारे पास, इसको हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए, ए का पावर सेट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, एक दो एग्जांपल और ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली चीज, तो
कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं, या हम बात करते हैं सबसेट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं किसी सेट के। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सेट है ए और एलिमेंट रख दिया हमने ए बी और सी। क्या एलिमेंट है? ए बी और सी। इसके सबसेट्स कौन कौन से पॉसिबल हैं वो सभी लिख दो। सबसे पहले सिंगलटन, कौन कौन से सिंगलटन है? ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ये सारे सबसेट हैं। हाँ जी है ए के। फिर हम क्या करें, दो दो का पेयर ले लो ए और बी, फिर क्या लिख दें, ए और सी, और तीसरा क्या लिखें, बी और सी। ठीक है, फिर हम क्या करें, थ्री का पेयर लेंगे ए बी सी, और लास्ट वन क्या रहेगा, एम्प्टी फाइव। और इस कलेक्शन को क्या नाम दिया जाएगा, पावर सेट। पावर सेट बन गया हमारे पास जी, कलेक्शन बनी। सो यहां से एक डेफिनेशन बन के आती है, एक रिजल्ट बन के आता है हमारे पास कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे होंगे, कितने होंगे। कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक मेथड बन गया है, वो हमें याद रखना है, नंबर ऑफ सबसेट। ऑफ ए सेट, किसी सेट हैविंग एन एलिमेंट प्रेजेंट, जिसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, हैविंग एन एलिमेंट प्रेजेंट, एक ऐसा सेट जिसमें n एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे पास, उनकी संख्या कितनी है टोटल, n। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो यहां से एक फॉर्मूला क्रिएट होगा, आपको याद रखना है 2 की पावर n, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट। जैसे हमें ये क्वेश्चन किया था अभी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1, 2, 3, सो 2 रे 2 पावर 3, आपका आंसर आया 8। तो चेक करो कितने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन और एट। अगर हमने यहां पे लिखा था, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जो हमने लिया था 1, 2, कितने एलिमेंट है, 2, तो क्या बनेगा, 2 की पावर 2, 4, उसके सबसेट्स कितने बने थे, 4। और लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। अब सिर्फ हम ये कैलकुलेट करेंगे सबसेट कैसे, कितने बनते हैं उनकी टोटल। जैसे अगर हमने यहां पे एक सेट लिया ए, 1, 2, 3 और 4, कितने हैं इसमें एलिमेंट, 4, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होने चाहिए, 2 रे 2 पावर 4, कितना बनेगा, 16। अब वो कहता है इनकी लिस्ट बनाओ, बना लो भाई लिस्ट भी, कहां से स्टार्ट करें, सिंगलटन से, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 4, ये तो हो गए सारे के सारे वो जो हमने सिंगल रखे। फिर हम डबल, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1 को फिक्स किया, बाकी सारे रख दिए। अब हम सेकंड को फिक्स करते हैं 2 को, 2, 3, 2, 4, 2, 1 आ चुका, क्योंकि 1, 2, 2, 1 सेम है। फिर हम किसको करेंगे फिक्स, 3 को, 3 को फिक्स किया हमने, क्या बना, 3, 4। अब सेकंड वाले हो चुके हैं, अब हम लेंगे थर्ड, तीसरे नंबर, 3, 3 पेयर लेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 4, फिर 2, 3, 4 और 1, 3, 4, टोटल कितने बन चुके हैं, काउंट कर लीजिए एक बार, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 बन चुके हैं। और दो हमारे पास ऑलरेडी है, कौन सा, 1, 2, 3, 4
और एक कौन सा होगा एम्प्टी, एक कौन सा होगा एम्प्टी। तो ये सारे के सारे क्या बने, सबसेट। तो सबसेट बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। इस एग्जांपल को एक बार फिर लेके चलते हैं, कैसे करना है आपको। एलिमेंट है 4, 2 की पावर 4, 16 बना हमारे पास। तो हमें क्या करना है, सिंगलटन रखने हैं, 1 2 3 4, सिंगल सिंगल एलिमेंट। फिर डबल ले लो, 1 को फिक्स करो 1 2 1 3 1 4, 2 को फिक्स करो 2 3 2 4, 3 को फिक्स करो 3 4, और यहां से ये बन गई के आपके 2। अब 3 को 1 2 3 1 2 4 2 3 4, अब 2 3 4 आ गया, 2 3 1 लेते तो ऑलरेडी यहां पे है, 1 3 4 नहीं आया तो 1 3 4। फिर हमारे पास 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास बनेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट हैविंग 4 एलिमेंट प्रेजेंट। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा नंबर ऑफ सबसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो कि आज का लास्ट टॉपिक भी रहेगा आपका, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। यूनिवर्सल सेट है क्या, सो यूनिवर्सल सेट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या है। जैसे अगर हम बात करें आपसे, यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लेटर, बाय लेटर कैपिटल यू, इससे हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और डेफिनेशन क्या है, व्हेन ऑल गिवन सेट, जितने भी सेट हमारे पास गिवन है, अमोंगेस्ट द लार्जेस्ट सेट, जो उनके अंदर से सबसे बड़ा सेट, एंड ऑल रेस्ट सेट आर सबसेट ऑफ दैट बिगर सेट, देन दैट बिगर सेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। एग्जांपल से देखिए ध्यान से आप, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, हमने लिखा यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेट लिया हमने बी 1 2 3 4, हमने सेट लिया सी 1 4 14, हमने सेट लिया डी 2 3 9 11 15, हमने एक सेट लिया। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, एक ऐसा सेट ढूंढना है जिसके अंदर से वो सेट इस तरीके से ढूंढना है कि ये बाकी जितने भी सेट है ये सारे उस सेट के सबसेट बन जाए, क्या बन जाए, उस सेट के सबसेट। तो हमने यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमने यहां 15 तक के लिख दिए। अब देखिए ध्यान से, ए सबसेट है यू का, जी हां है, तो क्या बी सबसेट है, बी भी है सबसेट इसका, सी है, हां जी सी भी सबसेट है, डी है, डी भी सबसेट है। तो क्या होगा, हमारे पास जो गिवन सेट है उस सेट के अंदर से सबसे बड़ा सेट, जो बाकी सब सेट जितने भी सेट बचे हुए हैं वो सभी उस बड़े वाले सेट के क्या होने चाहिए, सबसेट होने चाहिए। तो जो बड़ा सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, रियल नंबर आपके पास है और आपने बड़ा नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इस रियल नंबर के अंदर नेचुरल भी होते हैं, इंटीजर वाले भी होते हैं और रैशनल वाले भी होते हैं। तो जो बड़ा सेट बना रियल नंबर, ये किसका काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का काम, क्योंकि बाकी सभी सबसेट है, नेचुरल भी सबसेट है रियल का, इंटीजर भी सबसेट है रियल का, और रैशनल भी क्या है, सबसेट है
रियल का। सो जो बड़ा सेट बना बाकी सेट उसके सबसेट है, तो बिगर सेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। इन दिस केस आर क्या होगा, आर को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब आपकी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी एनसीईआरटी में, फिल इन द ब्लैंक्स, या जो भी वो कह रहा है कि मार्क कीजिए कि क्या आएगा। मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ये आपको इसमें फिल करना है। आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, एक दो क्वेश्चन उसमें से कराएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है 2, 3, 4, कहते हैं आपको क्या करना है, इसका सिंबल या इसका सिंबल यूज करना है फिल करने के लिए। जो फर्स्ट सम है उसमें क्या दे रखा है 2, 3, 4, और यहां उन्होंने दे रखा है बीच में है आपके पास डॉट, और यहां पे दे दिया 1, 2, 3, 4, 5। अब क्वेश्चन उनका ये है कि बताइए ये वाला सिंबल यूज करें या ये वाला करें। ये वाला सिंबल किसका है, प्रॉपर सबसेट, और ये वाला नॉट प्रॉपर सबसेट। वो प्रॉपर का है, ये प्रॉपर का नहीं है, इट इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट। तो यहां पे कौन सा सिंबल हम लिखें, देखिए 1, 2, 3, 4 यहां पे है, जी हाँ, तो ये इसका सबसेट है, हाँ जी सबसेट है। तो क्या प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट यहां प्रेजेंट है परंतु इसके सभी एलिमेंट यहां प्रेजेंट नहीं है। तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे हम, प्रॉपर। और इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक्स सच दैट, एक्स के बारे में लिख रखा है उन्होंने, एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स इज एन ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर, और फिर यहां पे लिख दिया डॉट डॉट डॉट, और दूसरा सेट लिख दिया उन्होंने, एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। एक बात बताइए, सबसेट की अगर कंडीशन बने तो यहां पे तो ये एक्स है क्या, एक्चुअली ये ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर किसको कर रहा है, रेक्टेंगल को। तो क्या ट्रायंगल रेक्टेंगल का सबसेट कभी हो सकती है, सिमिलरिटी है इनमें कुछ नहीं, तो आपका क्या आना चाहिए, नॉट। अब जैसे यहां पे आता है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, या आपके पास में लिखा हुआ है इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, और फिर डॉट डॉट है, सेकंड क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर। अब बताइए इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ये वाले बने, और आपको पता है इंटीजर में कौन कौन से आते हैं, नंबर लाइंस वाले आते हैं सारे, 0, 1, 2, 3, up to infinity पॉजिटिव, -1, -2 इधर क्या आएगा, नेगेटिव। सो नेगेटिव पॉजिटिव अलोंग विद 0। अब बताइए ये इसमें बिलोंग करेंगे, जी हाँ करेंगे, तो कौन सा सिंबल लगना चाहिए, प्रॉपर सबसेट। तो क्या इसका प्रॉपर सबसेट होगा, यस बिल्कुल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है सेकंड सम में, माइंड द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, आप लोग देख सकते हो कि प्रॉपर। अब मान लीजिए मैंने यहां पे क्या किया, सपोज करो मैं यहां पे इसी क्वेश्चन में आप बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, मैं यहां पे ये लिख देता ये वाला सिंबल, और अब आपसे पूछता कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या ट्रू है या फॉल्स, तो आपका आंसर क्या होता, यही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगर यहां पे ये लिखा हुआ है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स इज एन इंटीजर, सो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि एक्चुअली ये तो था प्रॉपर बट हमने इसको क्रॉस कर दिया, नॉट ए प्रॉपर बन गया, तो ये तो गलत हो गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स करने, उससे नेक्स्ट में करने हैं, थर्ड में एक सेट दे रखा है 1, 2, 3
फोर। अच्छा, इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है क्योंकि काफी बार यहाँ पे कंफ्यूजन होता है और ध्यान से देखना है। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। एक सेट है ए, 1 2 3, और यहां पे हमने लिख दिया इस 2 3 को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा। तो इसमें सबसे पहले हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने, हम इसके सबसेट निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कितने सबसेट बन सकते हैं। उससे पहले ये मालूम हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, 2। कौन कौन से, एक ये होगा और ये कंबाइंड, इसको एक सिंगल ट्रेड करेंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट है 2। अब नंबर ऑफ सबसेट कितने होने चाहिए, 2 raised to power n, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2। तो यहां पे क्या आंसर आना चाहिए, 4। अब कहते हैं कि इसके सबसेट्स बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे, सिंगलटन 1 2 3 वाला ये इस तरीके से लिखना है, फिर हमारे पास 1 2 3 इस कंबाइन को लेंगे पूरे को, और एक वाला क्या होगा 5। इस तरीके से ये चार क्या बनेंगे, इसके इसके 4 सबसेट्स बनेंगे। अब जो आपका क्वेश्चन है उसको लेके चलते हैं, फिर हम देखेंगे कि आपकी स्टेटमेंट उसके कारण क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। जैसे सबसे पहला यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 1 2 3 4 को कंबाइन कर रखा है, 1 2 3 और 4 और यहाँ 5। सबसे पहले तो इसमें एक चीज बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। सो 1 2 3 एंड 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इसको 1 मानेंगे, एक एलिमेंट मान के चलेंगे। तो टोटल कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 raised to power 4, हाउ मच, 16। अब जैसे यहां पे क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट इसका जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है इन्होंने 3 4 प्रॉपर सबसेट ऑफ 3 4 के बारे में, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्या है, ये सबसेट है, या हम इसको यू लिखें 3 4 बिलोंग्स टू द सेट ए। अब ध्यान से समझना, ये सही है या ये सही है, तो इसका आंसर ये होगा। देखिए ध्यान से, ये एक एलिमेंट की फॉर्म में है तो ये वाला हमारा आंसर होगा करेक्ट, ये वाला होगा रॉन्ग। अगर यू होता 3 4 और फिर ये कहता क्या ये सबसेट ए का है, फिर हमारा आंसर होता यस इट इज, फिर आपका ट्रू हो जाता, बट ये यहां पे फाल्स है और ये क्या है, ट्रू है। ये आपका मेन था इसमें समझने का क्वेश्चन। नेक्स्ट में राइट डाउन द आल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, आप सबसेट बना ही लोगे, ऑलरेडी बताया हुआ है। फिर इसके पास आता है इंटरवल्स, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज 5। ए अगर आपके पास 5 है तो नंबर ऑफ पावर सेट में कितने आएंगे, सिंपल सी बात है, पावर सेट में यही रहेगा आपसे, एम्प्टी वैसे हो चुका है, एलिमेंट तो है नहीं, इटसेल्फ यही काम करेगा, 2 की पावर 0 1 बन गया, तो ये इटसेल्फ में ही काम करेगा। आपके पास पावर सेट में क्या आएगा, पावर सेट ऑफ ए लिखोगे तो आपके पास बन जाएगा। सबसेट्स कितने, इटसेल्फ अपने आप का ही सबसेट है बस। अब जैसे क्वेश्चन आता है, हमने आपको बताया इंटरवल्स, एक क्वेश्चन में इंटरवल्स का और लेके चल रहा हूं, फिर यहां पे एंड करेंगे आज के लेक्चर का। जैसे यहां पे आपकी बुक के अंदर दे रखा है राइट द फॉलोइंग इंटरवल सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे यहां पे दे रखा है -3 to 0, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स कहां लाई करेगा, 0 to -3, और एक्स कहां से आएगा, रियल नंबर, बस ये आपका हो गया, ना तो 3 काउंट होगा ना ही 0 काउंट होगा। फिर आपके पास यहां पे आता है
नेक्स्ट वन जैसे 6 to 12, 6 और 12 दे रखा है और ये क्लोज में दे दिया, तो आप कैसे लिखेंगे x सच दैट x 12 एंड 6, तो यहां पे इक्वल टू लगेगा और x कहां से आएगा, रियल नंबर से आएगा। तो x में क्या होगा, तो क्या था 6 to 12 क्लोज इंटरवल था, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था x सच दैट x 12 और 6 के बीच में हो और साथ में ये दोनों काउंट होंगे, तो इस तरीके से लिखना। सो आज का जो हमारा लेक्चर था वो बस इतना ही रहेगा। आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, जो भी डाउट है वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर उसमें है, आप देख सकते हो वहाँ से ग्रुप से, और वहाँ पे आप लोग जो भी क्वेरी आप लोग पूछ सकते हो। कल हम आगे पढ़ेंगे, जितना बताया गया है उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और इसकी एक्सरसाइज की आपकी पिक मैं आपके पास सेंड कर दूँगा। ओके।